हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। तो फाइनली जो है MIUI वर्जन का MIUI 12 20.5.6 जो चाइना बीटा है वो आज रिलीज हो गया है। काफ़ी सारे फोन्स के लिए वो आ चुका है, जैसे Redmi Note 5 Pro हो गया, Redmi Note 7 Pro हो गया। Redmi Note 7 Pro के अंदर Android 10 वर्जन देखने को मिलता है, उसी तरीके से Poco X2 और Redmi K20 Pro के अंदर भी जो है Android 10 देखने को मिलता है। बट Redmi Note 5 Pro के अंदर जो है अभी भी आपको Android 9 ही देखने को मिलता है, क्योंकि Redmi Note 5 Pro के यूजर्स को Android 10 नहीं मिलने वाला है। तो आज हमने इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं बताऊंगा क्या चीज़ें इसके अंदर फिक्स की गई हैं और आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको भी जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे है हमारे पास Redmi Note 5 Pro और राइट साइड पे है Redmi Note 7 Pro। दोनों के अंदर हमने इस वर्जन को इंस्टॉल कर रखा है, जो कि है MIUI 12 20.5.6 बीटा वर्जन, जो कि चाइना के ऊपर बेस्ड है और सभी के सभी एप्लीकेशन जो है मोस्टली आपको इसके अंदर चाइनीज ही देखने को मिलते हैं। अगर दोनों फोन में डिफरेंस देखा जाए तो दोनों फोन के अंदर जो है आपको एक डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि Redmi Note 7 Pro के अंदर जो है ऊपर आपको फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ ये देखिए फ्लोटिंग विंडोज, और यहाँ पे आपको Redmi Note 5 Pro के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन है सिर्फ Android 10 के डिवाइसेस को देखने को मिल रहा है, जैसे कि Redmi Note 7 Pro के अंदर जो है आपको Android 10 देखने को मिला है। तो फीचर्स मोस्टली सभी सेम ही है सभी फोन्स के लिए, Redmi K20 Pro हो गया चाहे Poco X2 हो गया, सब में एक जैसे ही फीचर्स हैं। थोड़े से आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे, जो कि मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में क्या वो चेंजेस हैं। तो सबसे पहला बग जो इसके अंदर फिक्स किया गया है जो वो है वॉल्यूम स्लाइडर का। वॉल्यूम स्लाइडर में क्या होता था कि आप जब वॉल्यूम स्लाइडर को ऐसे टच रिस्पॉन्स से यूज करते थे तो वो काम नहीं करता था ठीक तरीके से, अब जो है परफेक्टली काम कर रहा है, तो इस चीज़ को फिक्स किया गया है। और माना जा रहा है जो काफ़ी सारे जो लैग्स वगैरह देखने को मिला था उसको भी जो है इस नए अपडेट के अंदर फिक्स किया गया। फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो फीचर्स तो कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं किए गए हैं, वॉलपेपर आपको वही मिल जाता है। हाँ, K20 Pro के अंदर जो है आपको ज़रूर जो है सुपर वॉलपेपर्स जो है जरूर देखने को मिलते हैं, बट बाकी डिवाइसेस में आपको अभी भी सुपर वॉलपेपर्स देखने को नहीं मिलते हैं, आपको वही सिस्टम वॉलपेपर्स से नेचर ज्योमेट्री वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 5 Pro में कैमरा आपको पुराना ही देखने को मिला है, बल्कि Poco X2 के अंदर और Redmi K20 Pro के अंदर जो है आपको नया कैमरा देखने को मिल गया है। सभी के सभी एप्लीकेशन जो है इस टाइम पे अपडेट रहे, यानी कि सारी के सारे एप्लीकेशन जो है अपडेट कर दिए गए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी ऐप हो चाहे आपका वेदर ऐप हो, सारे के सारे जो है इसके अंदर इस टाइम पे अपडेट कर दिए गए हैं और परफेक्टली जो है इस टाइम पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको इसके अंदर काफ़ी सारे जो है चाइनीज एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकते, हाँ रूट करने के बाद आप इनको जरूर जो है डिसेबल कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फीचर्स तो ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं, मैं आपको सेटिंग्स पैनल दिखाता हूँ, सेटिंग्स पैनल एज इट इज़ वैसे ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप सभी फीचर्स जानना चाहते हैं कि कैस के फीचर्स हैं और कैसे कैसे वो यूज़ होते हैं, तो आप जाके हमने एक वीडियो बना रखा है टॉप 30 प्लस फीचर्स का, उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड मिल जाता है इसके अंदर अभी भी। डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड 2.0 इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ नए ऑप्शन देखने को मिले हैं, जैसे एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड। जो Redmi Note 5 Pro है उसके अंदर Android 9 रन कर रहा है, बाकी जो तीनों डिवाइस हैं Poco X2, Redmi K20 Pro और Redmi Note 7 Pro उनके अंदर जो है Android 10 आपको देखने को मिल जाता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपके पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक परफेक्टली काम कर रहे हैं, उसमें से जैसे कोई भी इशू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। स्पेशल फीचर्स में आपको नया गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, टैब प्लस, क्यूक रिप्लाइज मिल जाते हैं, किड स्पेस मिल जाता है, सेकंड स्पेस मिल जाता है, म्यू लैब लाइट मोड मिल जाता है। उसी तरीके से अगर Android 10 की बात करी जाए तो Android 10 में आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि Android 9 में आपको देखने को नहीं मिला, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्लोटिंग विंडो जो है इस टाइम सिर्फ Android 10 के ही डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है। कैमरा जो है दोनों फोन्स के अंदर अभी आपको पुराना वर्जन ही देखने को मिला है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ Poco X2 और Redmi K20 Pro के अंदर ही जो है नया आपको MIUI का कैमरा देखने को मिला है। अगर आप जानना चाहते हैं MIUI कैमरे के क्या फीचर्स हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सारे फीचर्स वही हैं, वोल्टेज का सिम वगैरह परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें सक्सेस कोई इशू नहीं है। माना यह जा रहा है जो इंटेल ने कुछ बग्स वगैरह थे या कुछ लैग्स वगैरह देखे जा रहे थे उनको बस फिक्स किया है और रोम को थोड़ा पहले से स्टेबल बनाया गया है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे जो है हम इस रोम को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। मैं आपको फिर से बताता हूं, इस रोम को आप तभी इंस्टॉल कर सकते हैं जब अगर आपके फोन का बूटलोडर अनलॉक होगा और उसके अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होगी। चारों फोन के जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां से आप उनको डाउनलोड कर लेंगे और अपने फोन को कस्टम रिकवरी के थ्रू उसमें फ्लैश कर लेंगे। फाइल मैनेजर भी आपको नया देखने को मिला है, गैलरी भी आपको इसके अंदर नई देखने को मिली है। आपको बस सिर्फ क्या करना है, उस जिप फाइल को अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि Redmi Note 5 Pro के जो है 1.99 GB की है और Redmi Note 7 Pro की आप देख पा रहे होंगे तो 2.18 GB की है आसपास की ये फाइल है। चारों फोन्स के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इस टाइम पे Redmi Note 8 के लिए जो है वो नहीं निकला है, वो सस्पेंड हो गया है इस बार भी, तो मे बी आगे चल के आपको उसका नया अपडेट भी देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे फोन्स के लिए निकला है, बट जो इंडिया में जो मोस्टली जो पॉपुलर फोन्स हैं जैसे कि Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 Pro और Poco X2 जिसे आप Redmi K30 बोलते हैं, उसके लिए अवेलेबल ये हो चुका है।
तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे और कस्टम रिकवरी से अपने फोन के अंदर फ्लैश कर लेंगे। फीचर्स मैं फिर से बता रहा हूँ, फीचर्स कोई ज्यादा ऐड नहीं किए गए हैं, बस जो है वॉल्यूम स्लाइडर का जो बग आपको देखने को मिला था उसको फिक्स किया गया है, और स्टेबिलिटी को थोड़ा इंप्रूव किया गया है, और छोटे मोटे बग्स को फिक्स किया गया है। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कि फाइनली जो है MIUI 12 का जो लेटेस्ट वर्जन है 20.5.6 जो है डिवाइसेस के लिए रिलीज हो गया है, तो आप इसको अपने फोन में किसी कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो और आज का अपडेट पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।